आज सियासत में सबसे ज्यादा शोर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर मचा। जी हां, मिमिक्री पर तगड़ी महाभारत छिड़ी हुई है। बीजेपी ने इसे न सिर्फ उपराष्ट्रपति के अपमान से जोड़ा बल्कि मुद्दा बनाकर विपक्ष को ही घेरने की कोशिश की। बीजेपी कह रही है मजाक संवैधानिक पद का बनाया गया है। बीजेपी कह रही है धनखड़ की नकल उतारने से किसान और जाट समुदाय को ठेस पहुंची है। बीजेपी यह भी कह रही है कि टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी पर सख्त एक्शन हो। और तो और, पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन करके इस पूरे प्रकरण पर सहानुभूति जताई। कहा, मैं खुद 20 सालों से यह अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति ने भी कहा है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसमें नया एंगल डालते हुए कहा कि उनको भी सदन में बोलने नहीं दिया जाता तो क्या इसमें दलित का अपमान नहीं होता। मिमिक्री पर सियासत बहुत आगे बढ़ गई है। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट। Demean me, insult me, insult my background as a farmer. संविधान पद को अपमानित कर रहे थे। वो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद। संसद से लेकर सड़क तक गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर छिड़ी महाभारत। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़। हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही। जगदीप धनखड़ के अपमान पर सबसे बड़ा घमासान। आई हैव नेवर एनी इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। नकल उतारने की लड़ाई किसान और जाति पर आई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माई पार्लियामेंट्री पार्टी। बीजेपी ने धनखड़ की मिमिक्री को तगड़ा मुद्दा बना दिया। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान। इस वीडियो से देश की सियासत में एक तूफान खड़ा हो गया है। वीडियो में आपको टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी दिखेंगे जो राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं, या कहें कि उनकी नकल कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हुए कल्याण बैनर्जी का वीडियो राहुल गांधी अपने मोबाइल में बना रहे हैं और यहीं से शुरू होता है बवाल। सियासत में भूचाल, बीजेपी में उबाल। आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लगते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं और यहाँ किसी ने यह नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपने अपना रहे हैं। संसद से निकाले गए सांसद चले तो थे अपना विरोध जताने, जमाने को ये बताने कि देखिए कैसे उनके साथ मोदी सरकार ज्यादती कर रही है, उनके बोलने का हक छीना जा रहा है, उन्हें संसद से निलंबित किया जा रहा है।
लेकिन विरोध विरोध में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक बना बैठे, उनकी नकल उतार कर दिखाने लगे और बीजेपी ने इसे ही मुद्दा बना लिया। अब बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है, ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की है। राष्ट्रपति ने संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान को गलत बताया है, तो पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिमिक्री के मुद्दे पर सहानुभूति जताई। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में विरोधियों की तरफ से उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है। माननीय सांसदों का ऐसा व्यवहार वो भी संसद के पवित्र कॉम्प्लेक्स में दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 20 बरस से ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे हैं जो आज भी जारी हैं। मगर ये उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ हो सकता है, वो भी संसद में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के सांसद कल्याण बैनर्जी ने जिस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, उस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आग बबूला हो रहे हैं, तो कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को नया एंगल दे रही है। तो सुनिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। नकल उतारने वाले कल्याण बैनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, और जिस तरह राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, ऐसे में बीजेपी ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों से जवाब मांग रही है, और ममता बनर्जी जवाब नहीं दे रही है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी माहौल बना रही है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माई पार्लियामेंट्री पार्टी, दे आर एनफ टू रिप्लाई द क्वेश्चन, देयर इज अ सिस्टम, आई डोंट इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट्री पार्टी बिजनेस, सो यू कैन आस्क सुदीप बंदोपाध्याय एंड डेरेक ओब्रायन, दे आर एनफ टू गिव द रिप्लाई। वहां पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे किसानों का अपमान किया, नहीं नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे एमपी वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो? लेकिन बीजेपी के सांसद विपक्ष के इस बर्ताव की घोर निंदा कर रहे हैं और सभापति के सम्मान में सदन के अंदर एक घंटा खड़े रहने का फैसला करते हैं। हालांकि कुछ देर बाद सभापति जगदीप धनखड़ बीजेपी सांसदों से बैठने की अपील करते हैं, लेकिन संसद के बाद बीजेपी मिमिक्री को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर आई है। आज तक ब्यूरो।